तो बंद गोभी की नॉर्मल सब्जी तो आपने खूब खाई होगी, मगर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंद गोभी की टिक्की स्टाइल वाली सब्जी, जिसमें कि आप टिक्की का मजा और बंद गोभी का स्वाद दोनों एक साथ ले सकते हैं, जिसे कि आप चाट की तरह और रोटी पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और जानें कैसे बना सकते हैं बंद गोभी की टिक्की स्टाइल वाली सब्जी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बनाऊंगी बंद गोभी की टिक्की स्टाइल सब्जी। तो इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज के बंद गोभी को पानी से धो लिया है। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो एक बड़ा सा थाली ले लेंगे और उसमें हम ग्रेट कर लेंगे बंद गोभी को। इस तरह से पूरे बंद गोभी को ग्रेट कर लेंगे। तो गोभी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो उससे पहले हम ग्रेट किए हुए गोभी को एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। अब इस बंद गोभी को अच्छी तरह से स्क्वीज कर लें ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम मिक्सिंग बाउल में बंद गोभी को डालेंगे। अब इसमें हम पहले कुछ सब्जियां डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन को काट लिया है, इसको हम डाल लेंगे। इसके साथ कटे हुए शिमला मिर्च और साथ ही साथ कटा हुआ हरा मिर्च। अब इसके बाद हम डालेंगे एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून बेसन डाल लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इनकी छोटी छोटी टिक्की बनाकर फ्राई पैन पे फ्राई कर लेंगे। तो पैन को मैंने गरम कर लिया है। इसमें डाल लेंगे हम कुकिंग ऑयल और इसको चारों तरफ हम स्प्रेड कर लेंगे। तेल मीडियम हॉट होना चाहिए। अब इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके टिक्की का शेप दे देंगे। बहुत ही आराम से इनको हम एक एक करके पलट लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने पलट लिया है। दूसरी साइड से भी हम इसको फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों साइड से ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, सारे टिक्कियों को मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो इसी गरम तवे पे हम एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा चटक गया है, अब हम डाल लेंगे एक बड़े साइज का प्याज चॉप किया हुआ। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज हल्की भुन गई है, इसमें हम डाल लेंगे स्वादानुसार नमक, हल्दी और मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हम डाल लेंगे एक छोटी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्का सा हम पानी डाल लेंगे। और मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी हम गलने तक पका लेंगे। टमाटर थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई है, यहाँ पे हम डाल लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर के साथ ही हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्का सा पानी और डाल लेंगे और मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसाले भून गए हैं, अब इसमें हम पानी डाल लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जितना ज़्यादा आपको ग्रेवी चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी डाल लिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे, उसके बाद हम सारी टिक्कियों को इसमें डाल लेंगे। तो पानी में उबाल आ गया है, यहाँ पे हम डाल लेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे अब हम सारी टिक्कियों को एक एक करके डाल लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है और टिक्कियों को डालने के बाद हम इसको ज़्यादा चलाएंगे नहीं। लास्ट में हम हरा धनिया डाल लेंगे और बहुत ही प्यार से हम इस तरह से चला लेंगे बीच बीच में गैप बनाते हुए, क्योंकि ये कोफ्ते ऑलरेडी पक गए हैं और अगर हम इनको ग्रेवी में ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो हो सकता है कि आपके कोफ्ते टूट जाएं। तो बंद गोभी की टिक्की स्टाइल सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी, नहीं लगी।
अपने अनुभव जरूर शेयर करें हमारे साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो ये लीजिए, सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से आप अब गर्मा गर्म इसको सर्व करें और अपने मन पसंद रोटी चावल या पूरी के साथ इसको एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। रेसिपी की कंप्लीट डिटेल चैप्टर वाइज बारीकियों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कृपया उन्हें देखें। साथ ही साथ रेसिपी का लुत्फ़ उठाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।